हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, योगा से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन हैं आज के सेशन में। एंड फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट ट्रेनिंग, आसन विकृतियाँ, डोपिंग एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एंड एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक देखिएगा एंड बीच में एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। धैर्य बना के देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका धैर्य और एकाग्रता दो ही चीज ऐसे हैं दोस्तों। धैर्य और एकाग्रता के साथ किसी भी चीज पर मेहनत करेंगे तो 100% आपको मिल ही जाएगा, तो ये दोनों बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियो हैं, सभी थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज, एमसीक्यू प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में 79-80 वीडियोज का मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है बीपीएससी टीआई 2 में, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का अच्छे से दोस्तों, ये भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो उसको जाकर जरूर देखिए। और मैं 2024 के ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए यह 70वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, अन्य विधाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। यह विचार दर्शन के लिए किसका है? तो रसल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के शाश्वत स्वरूप को जानना ही दर्शन है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, वस्तुओं के शाश्वत स्वरूप को जानना ही दर्शन है, इस बात को कहे हैं प्लेटो। ये परिभाषा है, याद रखिएगा, आ सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ के स्वरूप को ढूंढने का तर्क संगत प्रयास ही दर्शन है। यह बात किसने कहा है? तो ये बात कहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, 5 गामा की योग्यताओं यानी कि मोटर एबिलिटी का योग, जो कि क्रमशः ताकत यानी स्ट्रेंथ, चाल यानी स्पीड, सहनशीलता यानी एंड्योरेंस, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, समन्वय योग्यता यानी कोऑर्डिनेशन, यह क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये पांचों चीजें मोटर स्किल रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस रिलेटेड है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोटर स्किल नहीं दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल फिटनेस कहलाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो फिजिकल फिटनेस है उसको दो भागों में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन आता है। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का विकास खेलों की गामक क्रियाओं या गतियों के माध्यम से ही संभव है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, खेल प्रदर्शन का विकास हम एक तकनीकी टेक्निकल स्किल सीख के ही हम उसको अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं, तो गामक क्रियाओं या गतियों के माध्यम से संभव है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल। क्या बोलते हैं? तकनीकी कौशल यानी कि टेक्निकल स्किल। नेक्स्ट है, कुछ तत्व क्रमशः प्रतियोगिता नियमों का ज्ञान युक्तिपूर्ण कौशल एवं युक्तिपूर्ण योग्यता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो युक्तिपूर्ण दोस्तों, टैक्टिस, टेक्निक अलग है, टैक्टिस जो युक्ति होता है वह जो होता है, जो हम खेल खेल रहे हैं, एक खेलते समय जो तुरंत दिमाग लगाना होता है उसको कहते हैं युक्तिपूर्ण टैक्टिस योग्यता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 का ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी का प्रदर्शन कुछ सीमा तक उपरोक्त 3 कारकों के साथ साथ शरीर रचना तथा शरीर की योग्यता पर निर्भर करता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, यह प्रक्रिया कहलाती है व्यक्तित्व का विकास। क्या कहलाती है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहलाती है।
ठीक है, आपकी योग्यता क्या है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस में आ जाता है, आपका पर्सनालिटी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये भी जो खिलाड़ी का खेल में प्रदर्शन में अच्छा भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल ट्रेनिंग का मुख्य कार्य खिलाड़ी के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास का करना है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। दोस्तों तो व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आ जाए, ये सभी चीजें आप किसमें पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंतर्गत ये आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा, खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग के क्षेत्र में कार्य किया जाता है अगर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जा रहा है। तो पर्सनालिटी शब्द, व्यक्तित्व विकास शब्द आए तो वहाँ पे मनोवैज्ञानिक में आप चले जाइएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल ट्रेनिंग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि खिलाड़ी की दिनचर्या नियमित की जाए, यह प्रक्रिया कौन सी है। तो दोस्तों सफलता, खेल ट्रेनिंग की सफलता के लिए आवश्यक है कि खिलाड़ी की जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, उसको नियमित किया जाए। तो खेल की ही सफलता के लिए नहीं दोस्तों, संसार के कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको जो दिनचर्या है उसको नियमित करना चाहिए, तभी आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दैनिक दिनचर्या नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि खेल ट्रेनिंग प्रशिक्षक के द्वारा योजनाबद्ध, नियमित तथा मूल्यांकित किया जाता है, यह सिद्धांत किसका है, कौन सा है। तो दोस्तों यह सिद्धांत है दैनिक दिनचर्या नियंत्रण, यह भी आएगा योजनाबद्ध तरीके से, तो डेली बेसिस पे हम उसका पालन करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसिखिया यानी जो न्यू प्लेयर है एंड एडवांस खिलाड़ियों, एक नया खिलाड़ी है, एक एडवांस जो सब कुछ सीख चुका है, में प्रशिक्षण, ठीक है, एक न्यू खिलाड़ी का प्रशिक्षण, एक एडवांस खिलाड़ी का प्रशिक्षण में विभिन्न वैज्ञानिक विधियों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, यह कौन सा प्रशिक्षण कहलाएगा। दोस्तों साइंटिफिक ट्रेनिंग यानी कि वैज्ञानिक प्रशिक्षण कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण का मूल्यांकन इवोल्यूशन, योजनाबद्धता, क्रमबद्धता, अनुप्रयोग खेल प्रशिक्षक एवं खेल विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह जो मूल्यांकन होता है ये सभी खेल प्रशिक्षक के द्वारा, विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है खेल प्रशिक्षक नेता के रूप में, ठीक है। तो ये आपका खेल प्रशिक्षक नेता के रूप में, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर एज ए लीडर। नेक्स्ट है, योग वह पुरातन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, योग वह पुरातन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं और योग हमें इसी भक्ति के रहस्य से परिचित कराता है, तो यह कथन किसका है। यह कथन है योगी रामचरक का, किसका है, योगी रामचरक का। नेक्स्ट है, योग एक ऐसी विधि है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है तथा अपनी जीव आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है, यह विचार किसका है दोस्तों। तो यह विचार है वेदों का, वेदों में ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो आप योग के बारे में संपूर्ण जानकारी, योग से रिलेटेड सभी चीजों को मैंने योग वाले प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग हिंदू जाति की दार्शनिक ध्यान अवस्था व संन्यासवाद की वह प्रणाली है जिसमें भक्त को परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग बताया जाता है, योग की यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों। तो यह ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के द्वारा दिया गया परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम देव के साथ एकात्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा इसे प्राप्त करना ही सब योगों का स्वरूप है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है श्री अरविंद का, ठीक है। परमात्मा के साथ एकात्व प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना और इसे प्राप्त करना ही योगों का स्वरूप है। नेक्स्ट है, जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि
और मोक्ष की प्राप्ति होती है वह योग कहलाता है। तो जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है वह योग कहलाता है। इस बात को कहा है जैनाचार्यों के अनुसार ये बात है। नेक्स्ट है अनुकूलता प्रतिकूलता सफलता विफलता यश अपयश जय पराजय सिद्धि असिद्धि इन समस्त भाषाओं में आत्मस्थ रहते हुए स्थिर रहना ही योग है। यह कथन किसका है? यह योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि सभी चीजों में समान रहना, चाहे मान हो अपमान हो, अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल हो, सफलता पाए चाहे असफलता मिले, सिद्धि हो असिद्धि हो, सभी में एक समान स्थिर रहना ही योग है। इस बात को योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है। और क्या कहा है श्री कृष्ण ने? योग कर्मसु कौशलम, कर्म करने का योग ही, कर्म करने योग कर्मसु, कर्म करने की कुशलता ही योग है। नेक्स्ट दोस्तों, इंद्रियों की स्थिति को ही योग माना गया है। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं वह अप्रमत्त हो जाता है। योग का अर्थ प्रभाव तथा शुद्ध संस्कारों की उत्पत्ति एवं अशुद्ध का विनाश है। यह निम्न किस ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों? तो यह ग्रंथ से लिया गया है कठोपनिषद से। ठीक है कि इंद्रियों की स्थिति को ही योग माना गया है, इसमें इंद्रियों को बस में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऐसे विश्व में पूछेगा तो पूर्व एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है, बट भारत की बात, प्राचीन भारत की बात करेंगे तो यह स्वर्ण काल कहा जाता था महाकाव्य काल को। और योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि के अनुसार है, योग चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों को पूर्तिया रोक देना ही योग कहलाता है। ये परिभाषा बार बार आता है। और एक परिभाषा जो हमेशा आता है वो है योग समाधि है। योग समाधि है किसने कहा है? वेद व्यास ने कहा है। ठीक है, अयोग कर्मसु कौशलम किसने कहा है? भगवद गीता में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस काल में हिंसा के कारण शारीरिक शिक्षा का विकास अवरुद्ध हुआ था? तो वह था जैन और बौद्ध काल में। नेक्स्ट है मौर्य काल में महर्षि पतंजलि में किस ग्रंथ का द्वारा अष्टांग योग प्रतिष्ठा की गई? तो मौर्य काल में महर्षि पतंजलि के द्वारा किस महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ द्वारा अष्टांग योग की प्रतिष्ठा की? तो महर्षि पतंजलि ने ग्रंथ लिखा था योग सूत्र, जिसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा, मन आत्मा की शुद्धि के लिए 8 मार्ग बताए, जो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम, ये 8 योग बताए। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए इन्होंने योग के 8 चरण बताए हैं। तो किसमें बताए हैं? योग सूत्र में। क्योंकि दोस्तों जो महर्षि पतंजलि थे ये किस काल में थे? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में थे। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, चाहे शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक सभी रूप से। तो शारीरिक विकास, व्यक्ति का स्वास्थ्य विकास और वर्धन और विकास, ये उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का दर्शन क्या है? तो दोस्तों यह यथार्थवादी उपयोगितावाद प्रयोगवाद, जिसे प्राग्मेटिज्म या एक्सपेरिमेंटिज्म या यूटिलाइटेरियनिज्म में भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मशाल को एथेंस ओलंपिक खेलों के स्थल तक ले जाने की प्रथा शुरू की? तो आपको पता है 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मशाल को सबसे पहले आधिकारिक रूप से ओलंपिक मशाल को ओलंपिया से लेकर सभी महाद्वीपों से होते हुए ओलंपिक के आयोजन स्थल पर लाकर ज्वाला प्रज्वलित करने की शुरुआत किया था। इस काम को किया था सबसे पहले कार्ल डाइम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज की बनावट
निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों आपने देखा है ओलंपिक ध्वज जो है कैसा होता है, वह बिना किनारे वाली सफेद प्रतिष्ठिका और केंद्र में ओलंपिक प्रतीक पांच छल्ले होते हैं। ठीक है, तो केंद्र में ओलंपिक प्रतीक पांच छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। जो ओलंपिक ध्वज है उसको बनाया 1913 में बैरन पियर डी कोबर्टिन ने और सर्वप्रथम फहराया गया 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक खेल किसके नियंत्रण में खेला गया? तो दोस्तों प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस के पेनाथेनिक स्टेडियम में किंग जॉर्ज प्रथम के नियंत्रण में खेला गया। नेक्स्ट है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे क है कि सारे प्रतिभागी सदस्य महिलाएं थी, यह गलत है क्योंकि महिलाओं को सबसे पहले भाग लिया गया 1923 फ्रांस में, तो उस समय महिलाएं भाग ही नहीं लेती थी, गलत है। सारे प्रतिभागी सदस्य ग्रीक थे, यह भी गलत है। सारे प्रतिभागी रोमन थे, यह भी गलत है। तो सही क्या है? सही है कि सारे प्रतिभागी सदस्य पुरुष थे, क्योंकि महिलाओं को सबसे पहले महिलाएं भाग ली थी 1923 फ्रांस में। नेक्स्ट है, ओलंपिया में खेले गए ओलंपिक खेलों में किसके सम्मान में महिलाएं पृथक प्रतियोगिताएं में शामिल हुई थी? तो दोस्तों देवी हेरा, जीएस की पत्नी देवी हेरा के सम्मान में, ठीक है, वो प्रतियोगिताओं में पृथक प्रतियोगिताओं में शामिल हुई थी। और वहाँ प्राचीन ओलंपिक में हेरा का उत्सव भी मनाया जाता था, जिसमें महिलाओं द्वारा यूनानी देवता जीएस की पत्नी हेरा के सम्मान में हेरा का उत्सव मनाया जाता था। इस महोत्सव में महिलाओं के लिए एथलेटिक स्पर्धाएं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में एथलीट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों एथलीट शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के एथलोन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता। क्या अर्थ होता है? प्रतियोगिता। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा पुरस्कार का आकांक्षी, एस्पिरेंट ऑफ अवार्ड। ठीक है, इसका अर्थ पुरस्कार का आकांक्षी भी होता है, याद रखिएगा। और एथलेटिक्स को जो है खेलों की रानी बोला जाता है, जिम्नास्टिक को खेलों की माता, मदर ऑफ स्पोर्ट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक खेलों में यह पता लगा कि बेहतर प्रदर्शन के लिए नशीली दवाओं का सेवन किया जा रहा है? तो दोस्तों डोपिंग का केस सबसे पहले पता चला 1960 रोम ओलंपिक में, तो 1960 रोम ओलंपिक में सबसे पहले पता चला, और पता चला था डेनमार्क का रोड साइकिलिस्ट जो है न्यूड एग्मा जॉनसन जो है एरोनिकल और एम्फेटामाइन ले रखा था, जो सहनशीलता को बढ़ाती है, और वह स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद मृत पाया गया। तो उसका टेस्ट किया गया तो वो यह दवा का प्रयोग किया था। उसके बाद डोपिंग, प्रथम बार डोप टेस्ट कब किया गया? तो 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में स्वीडन के पेंटाथलीट गुनर लिनिंगे वाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनोजोल नामक जिस औषधि का कनाडा के खिलाड़ी बेन जॉनसन ने 1988 के ओलंपिक खेलों में दुरुपयोग किया था, वह क्या है दोस्तों? तो वह आता है एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत। ठीक है, एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत, एनाबोलिक स्टेरॉयड जो है खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा समझा जाता है। एनाबोलिक स्टेरॉयड को शॉर्ट में AAS बोला जाता है। क्या बोला जाता है? AAS बोला जाता है। ए से तात्पर्य होता है एंड्रोजेनिक, और दूसरे ए से तात्पर्य होता है, और एस से एनाबोलिक स्टेरॉयड, यानी पूरा हुआ एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। एंड्रोजेनिक का अर्थ होता है पौरुष तत्व यानी मस्कुलिनिंग, एनाबोलिक से तात्पर्य है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्तकों का निर्माण। इसके सेवन से दोस्तों, एनाबोलिक स्टेरॉयड के सेवन से पेशियों की ताकत व सहनशीलता में असीम वृद्धि हो जाती है, और मानसिक रूप से खिलाड़ी अपने आप को मजबूत समझने लगता है। डायरेक्ट इसका प्रभाव पेशियों पर पड़ता है। अगर एनाबोलिक स्टेरॉयड्स को महिला यूज करती हैं, और महिलाओं के द्वारा इसके सेवन करने से पौरुष तत्व के गुण आ जाते हैं, जैसे कि आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूछें आना, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा डोपिंग ड्रग्स है जिसको लेने से
महिलाओं द्वारा लेने से पुरुषों वाले गुण आने लगते हैं तो वो होता है आपका एनाबोलिक स्टेरॉयड। एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत नेड्रोलॉन, स्टेनेजोल, टेस्टोस्टेरोन, ट्रेनबेलोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, मिटेनोलोन, टेट्राहाइड्रोजेस्टिनोन, स्ट्राइनोन आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन OVLA रक्त में दुग्ध लवण के संचयन का आक्रमण का एक नाम यह भी है, तो उसका नाम है वात निरपेक्ष अवसीमा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक स्वापक है यानी कि नार्कोटिक्स कौन है इसमें, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ड्यूरेटिक्स जो है वो भार को कम करता है, एंड विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑफिम यानी पॉपी है वो स्वापक यानी नार्कोटिक्स के अंतर्गत आता है। नार्कोटिक्स एक नशीली दवा होती है जो पॉपी नामक पौधे से निकले हुए ओपियम यानी ऑफिम से तैयार किया जाता है। यहाँ पे आप याद रखिए, और ये नार्कोटिक्स जो है सबसे ज़्यादा दर्द निवारक प्रभाव यानी पेन के लिए इफेक्ट छोड़ती है। यह उन खेलों में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं जिसमें दर्द होने की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग आदि। यह दोस्तों याद रखिएगा, जो नार्कोटिक्स यानी जो स्वापक है ये एर्गोजेनिक एड्स नहीं माना जाता। क्वेश्चन आता है कि कौन एर्गोजेनिक एड्स नहीं माना जाता, दुर्ग नहीं माना जाता, तो नार्कोटिक्स है। और फिर भी इसका ज़्यादा प्रयोग हानिकारक होता है दोस्तों, जैसे कि आप वेट लिफ्टिंग में दवा लेने के पश्चात क्षमता से अधिक अगर भार उठाने का प्रयास करता है जिससे उसकी पेशियां टूट जाती हैं, तो ऐसी चोट को कैरियर एडिंग इंजरी कहा जाता है। दोस्तों 1963 में बाल्टीमोर कोर्ट्स की मृत्यु इसी नार्कोटिक्स को लेने से हुआ था, और नार्कोटिक्स के अंदर मॉर्फिन, हीरोइन, पैथिडिन, एल्फाप्रोनाइन, एनिलेरिडाइन आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति को इस रूप में भी परिभाषित किया जाता है। दोस्तों प्रत्येक मिनट में हृदय की धड़कन को हृदय गति कहा जाता है, यानी कि एक मिनट में हृदय कितनी बार सिकुड़ता है उसकी संख्या को कहा जाता है। तो प्रति मिनट हृदय की सिकुड़न यानी सिस्टोली की संख्या को हृदय गति के अंतर्गत रखा जाता है, जो प्रति मिनट 72 बार होती है। किसी प्रतियोगिता या अभ्यास के समय 180 प्रति मिनट हो जाती है। अगर आप प्रशिक्षित हो जाते हैं तो 40 से 50 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट है, भारी व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति किस तरफ होती है। जब आप भारी व्यायाम करते हैं दोस्तों, तो आपका जो रक्त की आपूर्ति है, ब्लड का फ्लो होता है, स्केलेटल मसल्स की ओर बढ़ता है, जिससे उसका ग्रोथ और उसकी शक्ति और एनर्जी होती है। तो यही अस्थि पंजरीय पेशी के अंतर्गत की तरफ यानी स्केलेटल मसल्स की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन रक्त द्वारा ले जाया जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन हो गया, एंजाइम, हार्मोन, सभी चीजें रक्त के द्वारा ही कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती हैं। यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रतिरोध कार्य विशेषकर हैवी वेट प्रशिक्षण के पश्चात पेशी मात्रक में वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको कहा जाता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, यानी जब नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में वृद्धि होती है, इसमें शक्ति ज्यादा होने लगती है, ऊर्जा का संचार तेज होता है, तो उसे कहा जाता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी यानी कि अति वृद्धि यहाँ पे हो जाएगा। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी नहीं दिया है तो मस्कुलर अति वृद्धि यानी कि ओवर ग्रोथ हो जाएगा, मतलब उसका मीनिंग वही आना चाहिए, ठीक है। अपक्षय नहीं होगा, अपक्षय का मतलब होता है कम होना या विघटन होना, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में शक्ति या वृद्धि होती है उसे मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जब किसी कारण का व्यायाम न करने से किसी कारण या अनुवांशिक रूप से मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है और कंकाल मांसपेशियों के फाइबर भी प्रभावित होते हैं, तो उसको मस्कुलर ऑस्ट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ट्रॉफी के अंतर्गत एक क्वेश्चन जरूर होगा। नेक्स्ट है, एनाबोलिक स्टेरॉयड सीधे प्रभाव करते हैं। तो दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉयड के बारे में अभी जस्ट बताएं, ये सीधे प्रभाव हमारे पेशियों पर डालते हैं, पेशियों में अधिक सहनशीलता और ताकत बढ़ जाती है।
नेक्स्ट है FIMS का पूरा नाम क्या है? दोस्तों FIMS का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिसिन डू स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपास्थि जो अस्थि शिराओं पर अधिक बल पड़ने से बचाव करती है उस उपास्थि को क्या कहते हैं? तो उस उपास्थि को कहा जाता है पारभासी उपास्थि, ट्रांसल्यूसेंट कार्टिलेज कहा जाता है। उपास्थि जो कोमल कोमल होते हैं अस्थियों से, जैसे हमारे कान की जो कान जो है उपास्थि से बना है, एंड हमारे जोड़ों पर हड्डियों के जोड़ों पर सिराओं पर गद्दी के रूप में होते हैं जो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। तो जो उपास्थि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, इलास्टिक, फाइबर और हायलिन। नेक्स्ट है दोस्तों शरीर में लंबी अस्थियों का क्या कार्य है? तो आप सबको पता है लंबी अस्थियां जो है उत्तोलक के रूप में कार्य करती है, यानी शक्ति गति और बल प्रदान करती हैं, तो उत्तोलक के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट है टॉर्सल बोन जो टखने की जो होती है हड्डियां, टॉर्सल बोन जो टखना और उसके ऊपरी भाग की हड्डी होती है का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्पल कलाई के जो हड्डी होती है 8 होती है, टॉर्सल जो टखने की हड्डियां होती हैं वो 7 होती हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? इसी पे शरीर का भार होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट है सिनोवियल ज्वाइंट, एक ऐसी झिल्ली वाला जोड़ जो हड्डियों के बीच तरल पदार्थ रखती है और जिसके कारण वह जोड़ या ज्वाइंट हिलता डुलता है, यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये सभी जोड़ों पर पाई जाती है। तो यहाँ पे साइनोवियल ज्वाइंट जो है जो चल संधि होती है उसको कहा जाता है। यहाँ पे एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट सभी साइनोवियल ज्वाइंट के अंतर्गत आएगा। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की मांसपेशियां लंबी अवधि वाले कार्य में थकान से बचाती हैं? तो मांसपेशी तंतु दो प्रकार की होती है, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर स्लो ट्विस्ट धीरे धीरे संकुचित होती है और व्हाइट मसल फाइबर फास्ट ट्विस्ट जल्दी जल्दी संकुचित होती है। जो व्हाइट मसल फाइबर होती है जल्दी जल्दी संकुचित होती है, ये अनएरोबिक क्रियाओं, कम समय की क्रियाओं, शक्तिवर्धक क्रियाओं, मांसपेशी वाली क्रियाओं में ज्यादा एक्टिव रहती है। और जो रेड मसल फाइबर होती है धीरे धीरे संकुचित होती है स्लो ट्विस्ट वाली, वो लंबी अवधि की क्रियाएं एरोबिक क्रियाओं में ज्यादा एक्टिव रहती हैं। तो किस प्रकार की मांसपेशियां लंबी अवधि वाले कार्य में थकान से बचाती हैं? वो होता होगा मंद ऐंठन वाली, ठीक है, मिड स्पैज्म वाली, ठीक है। नेक्स्ट है जिन पेशियों के कारण संधियां मुड़ जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पेशियां दो प्रकार के कार्य करती हैं, एक आकुंचन एक प्रसारण, यानी एक आकुंचन यानी मोड़ने का काम करती है और दूसरा प्रसारण यानी फैलाने का। फ्लेक्सर मसल्स होती है, एक एक्सटेंसर मसल्स होती है। जैसे हमारे बांह की बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स है। बाइसेप्स मसल्स क्या है? यह फ्लेक्सर मसल्स है, यानी कि यह हाथ को मोड़ने का काम करती है। और जो ट्राइसेप्स मसल्स क्या होती है? हाथ को फैलाने का यानी कि एक्सटेंसर करने का काम करती है। तो ट्राइसेप्स जो है एक्सटेंसर मसल्स है। तो जो संधियां मुड़ जाती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लेक्सर मूवमेंट हो रहा है, तो कंट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आकुंचनी यानी कंट्रैक्शन अब होगा, ठीक है। अब जो फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रसारणी पेशियां, एक्सटेंसर मसल्स, याद रखिएगा सभी चीजों को। नेक्स्ट है बल उत्पादन हो रहा है लेकिन तंतु प्रवर्धन का एक अन्य नाम है प्रवर्धान, यानी तंतु जो है कम हो रही है, ठीक है, दोनों के बीच में गैपिंग हो रही है, कम गैपिंग है, तो तंतु मुड़ रही है उसको हम क्या कहेंगे? कंट्रैक्शन फेज। जो हमारा आइसोटोनिक कंट्रैक्शन होता है वो पेशी की लंबाई घटती है और बढ़ती है, जैसे डंबल का अभ्यास। तो वो दो प्रकार की होती है, कॉन्सेंट्रिक कंट्रैक्शन, इसेंट्रिक कंट्रैक्शन। जो कॉन्सेंट्रिक होता है उसमें तंतु प्रावधान होता है, यानी वो फ्लेक्शन होता है, तंतु की लंबाई कम होती है, यहाँ पे उत्केंद्रीय पृष्ठ यानी कंसेंट्रिक फेज होगा। नेक्स्ट है काइफोसिस का अन्य नाम यह भी है। तो दोस्तों काइफोसिस जिसे बीच कुबड़ा कहा जाता है, जो हमारा पीठ वाला वच्छ, पीछे का वच्छ वाला जो भाग होता है, पीठ वाला भाग, वो एक गोल जैसा हो जाता है, ठीक है,
पीछे एकदम ऐसे हो जाता है, इसे कहा जाता है कुबड़ा। तो इसको हम बोलते हैं घुमावदार पिट एंड काइफोसिस, राउंड बैक, हंच बैक आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अवतल पृष्ठ जो है कॉन्केव प्लेन, ये तो लार्डोसिस हो जाएगा, ठीक है। अवतल पृष्ठ जो है लार्डोसिस हो जाएगा, लार्डोसिस में कमर वाला भाग जो है एकदम ऐसे गड्ढा हो जाता है, ठीक है। एंड पार्श्व पृष्ठ फ्रंट प्लेन जो होता है वह आप पिजन चेस्ट यानी आगे की तरफ जो छाती होती है निकल जाती है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब पृष्ठ वक्र कर्व बन रहा है तो वो भी लार्डोसिस में हो जाएगा। तो यहाँ पे राउंड प्लेन यानी गोल कमर जो पीछे होता है एकदम गोल हो जाता है, ठीक है। तो पिछला वाला भाग कैसा हो जाता है, एकदम गोल हो जाता है, ठीक है। तो उठ जाता है बाहर की तरफ एक्स हो जाता है, इसको हम एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर भी कहते हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ निकल जाता है, उसे काइफोसिस या कुबड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबड़ापन को यह भी कहा जाता है, अभी जस्ट मैं बताई हूँ काइफोसिस, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे अन्य लोगों तक वीडियो पहुँच सके। और इसी तरह आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।